हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक है नेशनैलिटी इन फ्रेंच अबाउट कंट्रीज, आइदर इट इज़ मैस्कुलिन, फेमिनाइन और प्लूरल एंड प्रेपोजिशन फॉर सिटी एंड कंट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ले पई मीन्स कंट्रीज, ले नेशनैलिटी मीन्स नेशनैलिटी। सबसे पहले है हमारा लैंड विच मीन्स इंडिया, इसकी नेशनैलिटी को भी, हर कंट्री की नेशनैलिटी को इन्होंने मास्कुलिन सिंगुलर, मास्कुलिन प्लूरल, फेमिनाइन सिंगुलर एंड फेमिनाइन प्लूरल में डिवाइड किया है। सबसे पहले कंट्री है हमारी इंडिया, जिसे हम फ्रेंच में बोलेंगे लैंड। एल अपोस्ट्रॉफी हमारा आर्टिकल डेफिनी है। इसकी नेशनैलिटी के लिए मास्कुलिन सिंगुलर में आएगा एंडिया, और अगर प्लूरल है मैस्कुलिन तो हम एस लगा देंगे, और फेमिनाइन सिंगुलर के लिए एंडियन, अगर प्लूरल है फेमिनाइन में तो एस लगाएंगे। सेकंड है आपका ला फ्रांस, नेशनैलिटी है फ्रांसे, फ्रांसेज। इसमें मैस्कुलिन सिंगुलर और मैस्कुलिन प्लूरल एज इट इज़ रहेगा, नो चेंज, बट फैमिलर सिंगुलर में आप सिर्फ ई लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो उसमें एस ऐड कर देंगे। ला बेल्जिक, बेल्ट, बेल्ट। लालमाइन, आलमो, आलमोन। ला एंगलटेर, ऑंग्ले, ऑंग्लेज। लालमाइन ये जर्मनी है, ला एंगलटेर ये इंग्लैंड कंट्री है। लेताली, इतालिया, इतालियन। लेस्पाइन, एस्पेनियोल, एस्पेनियोल। लक कनाडा, कनाडिया, कनाडियन। ले जेताजुनी ये हमारी यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका, अमेरिकेन। ला चीन, शिनवा, शिनवास। लीरा, ईरानिया, ईरानियन। अब ये गर्ल है जिसका नाम है राधा, ये फ्रेंच में बताएगी अपना नाम और नेशनैलिटी तो कैसे बताएगी। एंड ये बॉय है जिसका नाम है माधव, ये अपना नाम और नेशनैलिटी फ्रेंच में कैसे बताएगा। राधा से जमा पैल राधा, आई एम राधा, माई नेम इज़ राधा। जस वी जेंदियन, आई एम इंडियन। नाउ माधव से जमा पैल माधव, माई नेम इज माधव, आई एम माधव। जस वी जेंदिया, आई एम इंडियन। अब आप देखेंगे अगर गर्ल ने अपनी नेशनैलिटी बताई, उसके लिए हमने इंडिया में जो नेशनैलिटी का फेमिनाइन सिंगुलर फॉर्म लिखा, बॉय ने अपनी नेशनैलिटी बताई उसके लिए हमने मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म लिखी। प्रीवियस वीडियो में फेमिनाइन एंड मास्कुलिन सिंगुलर फॉर्म में थे, यानी कि वन गर्ल ईच। अब अगर वन से ज़्यादा है यानी कि प्लूरल हैं, तो अब ये दोनों जर्मनी से हैं एंड बॉयज़ भी जर्मनी से हैं। पिछली वीडियो में वो इंडियन से थे इसलिए उनकी नेशनैलिटी इंडियन थी। नाउ अब इफ टू गर्ल्स से नो सोम आलमोन मीन्स वी आर जर्मन। नाउ टू बॉयज नो सोम आलमो मीन्स वी आर जर्मन। इसके अंदर हमने फेमिनाइन प्लूरल का यूज़ किया है, इसमें हमने मैस्कुलिन प्लूरल का यूज़ किया, इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप अपनी नेशनैलिटी जब भी बताएं आप मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, मैस्कुलिन प्लूरल करेंगे, फेमिनाइन सिंगुलर करेंगे या फेमिनाइन प्लूरल करेंगे। इसलिए फ्रेंच में इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कंट्रीज़ की प्रोनाउंसिएशन, उनके नाम भी फ्रेंच में डिफरेंट होते हैं, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो, हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि इन्होंने नेशनैलिटी को मास्कुलिन सिंगुलर, मास्कुलिन प्लूरल, फेमिनाइन सिंगुलर एंड फेमिनाइन प्लूरल में कैटेगराइज किया है। कंट्रीज़ को भी मास्कुलिन, फेमिनाइन और प्लूरल कंट्री में डिवाइड किया गया है। ला शीन, चीन को फेमिनाइन कंट्री है, कनाडा मैस्कुलिन है, इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल डेफिनी लॉ का यूज़ किया है। ला फ्रांस, फ्रांस
इज़ अ फेमिनाइन कंट्री, इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल डेफिनी फेमिनाइन का सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया, दैट इज़ एल ए ला। ला रूसी, ले पोर्तुगल, ले फिलिपियन। फिलिपियन जो है फ्रेंच में प्लूरल कंट्री है, इसलिए इससे पहले हमने ले एल ई एस आर्टिकल डेफिनी का यूज़ किया है। ल देनमा, ले जापो, ली इताली। अब इताली में आई जो हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो वोवल है, इसलिए हमने एल अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। ली रा, इसमें भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा वोवल है, इसलिए हमने एल अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। लास्ट है ले जेताजुनी, विच इज़ यूनाइटेड स्टेट, इसे प्लूरल कंट्री में रखा गया है, इसलिए उससे पहले हमने ले का यूज़ किया। इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट वोवल है बट ये प्लूरल कंट्री है, इसके लिए आर्टिकल डेफिनी प्लूरल फॉर्म यानी कि एल ई एस का यूज़ किया है। बेसिकली फ्रेंच में जो कंट्रीज़ ई से एंड होती हैं उन्हें फेमिनाइन में रखा गया जाता है, और जो ई से एंड नहीं होती वो मैस्कुलिन कंट्री होती है, बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ल मैक्सिक। अब इसमें लास्ट जो है वो ई से एंड हो रहा है बट ये मैस्कुलिन कंट्री है। ले काम्बोज, ल जिम्बाब्वे, ल मोजाम्बिक, ये सारी की सारी कंट्रीज़ ई से एंड हो रही हैं, ये फेमिनाइन में नहीं आएंगी, ये मैस्कुलिन में आएंगी, इसलिए फ्रेंच में कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रीज़ एंड हो ई से वो सारी फेमिनाइन कंट्रीज़ हैं। बट यस, फ्यू एक्सेप्शंस भी हैं, फ्यू कंट्रीज़ हैं जो एंड ई से हो रही हैं, बट दे ऑल आर मैस्कुलिन कंट्रीज़। नाउ प्रेपोजिशन फॉर कंट्री एंड सिटी। सिटी से पहले और कंट्री से पहले हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं? अगर तो हमारी सिटी होती है तो उससे पहले हम आ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं और ऊपर एक्सेंट भी आएगा। एग्जांपल है जाबीत आ पारी, मींस आई लिव इन पेरिस। वो जा आबीते आ दिल्ली, यू लिव इन दिल्ली। अगर कंट्री है और वो कंट्री फेमिनाइन है या फिर उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट वोवल है तो उससे पहले प्रेपोजिशन ओ का यूज़ करेंगे, ई एन ओ। फॉर एग्जांपल है त्यू आबी ओ ईरान। ईरान हमारी मैस्कुलिन कंट्री है बट उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट वोवल है, इसलिए प्रेपोजिशन ओ का यूज़ किया जाएगा, ई एन। नेक्स्ट है अगर हमारी कंट्री मास्कुलिन है तो उससे पहले प्रेपोजिशन ओ ए यू का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कनाडा, कनाडा हमारी मास्कुलिन कंट्री है, सिंगुलर कंट्री है, तो उससे पहले हमारा प्रेपोजिशन ए यू ओ का यूज़ किया। इल आबी ओ कनाडा, मींस ही लिव इन कनाडा। नेक्स्ट है प्लूरल कंट्री, उसके लिए हम प्रेपोजिशन ओ का यूज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन एस सेम आएगी ओ बट इसके अंदर हम एक्स ऐड कर देंगे। नो जाबी तो ओ जेताजुनी, वे लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये प्रेपोजिशंस हैं ओनली सिटी के लिए आ, एंड डिपेंड करता है कंट्री फेमिनाइन है और वोवल है तो ओ, अगर मैस्कुलिन कंट्री है तो ओ, और प्लूरल कंट्री है तो ए यू एक्स ओ का यूज़ करेंगे। फ्यू मोर एग्जाम्पल, ज वे आ पारी। ज मीन्स आई, वे ये हमारी वर्ब है जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये कौन सी वर्ब है और कैसे कॉन्जुगेट किया है। आ हमारा प्रेपोजिशन है एंड पारी इज सिटी। आई एम गोइंग टू पेरिस। सेकेंड है जाबीत आ पारी। ज अगेन आई, आबीत मीन्स लिव, आ प्रेपोजिशन, पारी इज सिटी, आई लिव इन पेरिस। थर्ड है त्यू वा ओ कनाडा, मीन्स यू आर गोइंग टू कनाडा। इसमें त्यू मीन्स यू, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वा विच इज़ अ वर्ब, ओ प्रेपोजिशन एंड कनाडा इज़ अ मैस्कुलिन कंट्री, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन ओ का यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल है फोर, इल वा ओ फ्रांस। इल सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन्स ही, वा हमारी वर्ब है, ओ प्रेपोजिशन, ओ का यूज़ इसलिए किया है बिकॉज फ्रांस जो है वो हमारी फेमिनाइन सिंगुलर कंट्री है, विच मीन्स ही इज़ गोइंग टू फ्रांस। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा वो जाबी ते ओ जेताजुनी, यू लिव इन यू एस। इसमें वो मीन्स यू,
आबीत मीन्स लिव विच इज़ अ वर्ब, ओ हमारी प्रेपोजिशन है, एंड जेता जोनी इज़ अ प्लूरल कंट्री, इसलिए हमने प्रेपोजिशन ओ का यूज़ किया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। स्टे सेफ। थैंक यू।